आज की वीडियो में हम जानेंगे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से आई विज्ञप्ति के बारे में। ये विज्ञप्ति उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से पीएचडी हेतु आवेदन किया था। अब देख लेते हैं कि ये जो विज्ञप्ति है किस विषय में है। तो ये विज्ञप्ति आपके विधि विषय के अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने पीएचडी हेतु आवेदन किए हुए हैं। तो इन अभ्यर्थियों को 6-7-8 अगस्त को प्रातः 10 बजे साक्षात्कार हेतु विधि विभाग चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर मेरठ में आमंत्रित किया जाता है। यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने लॉ सब्जेक्ट से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में पीएचडी हेतु आवेदन किया है तो उनकी इंटरव्यू की डेट आपकी 6, 7 और 8 है। ठीक है, तो अगर टाइमिंग की बात करें तो 10 बजे से आपका इंटरव्यू है। कहाँ है आपके विश्वविद्यालय के विधि विभाग में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इसके साथ ही देखिए कि आपको इंटरव्यू के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो देखिए इसमें सीधे लिखा है कि साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को मूल अभिलेख तथा स्वप्रमाणित प्रतिलिपि लेके जानी है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले आपका है समस्त शैक्षणिक अभिलेख, इसमें आपका हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन मास्टर नेट जेआरएफ जो सर्टिफिकेट हैं है ना, मार्कशीट सर्टिफिकेट और डिग्री आपको लेके जानी है। इसके साथ ही देखिए आपको भरे गए आवेदन फॉर्म की प्रति लेके जानी है, इसके अतिरिक्त प्रवेश पत्र की एक प्रति, इसके साथ ही देखें तो 6 आपको फोटोज लेके जाने हैं पासपोर्ट साइज है ना। इसके अतिरिक्त देखें पहचान पत्र, पहचान पत्र में आपको आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वो लेके जाना है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, और जो अभ्यर्थी EWS कैटेगरी में आते हैं तो वो अपना EWS का सर्टिफिकेट लेके जाएं। वहीं जो अभ्यर्थी PH कैटेगरी में आते हैं तो अपना वो क्या है PH सर्टिफिकेट लेके जाएं। नेट GRF सर्टिफिकेट तो आपको लेके ही जाना है। इसके साथ ही आपको क्या है 500 शब्दों की क्या है स्नोप्सिस भी साथ लेके जानी है ना। ये तो हो गए आपको साक्षात्कार के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ठीक है, और बात करें कि जो आप डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं तो उसकी फोटो स्टेट जब कराएं तो उस पर स्वप्रमाणित लिख के जरूर ले जाएं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने सीधे सीधे नोटिस दिया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो नियत तिथि पर उपलब्ध नहीं होते हैं, यानी कि जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 6 तारीख को है, ठीक है, 6 तारीख को है, अब वो 6 तारीख को नहीं आ पाते और वो सोच रहे हैं कि हम 7 तारीख को अपना इंटरव्यू दे लें तो ये संभव नहीं होगा है ना। तो जिन अभ्यर्थियों को जो डेट निश्चित कर दी गई है कि आपको इस तिथि को आना है तो आपको उसी तिथि पर क्या है विश्वविद्यालय के विधि विभाग में आपको उपस्थित होना है। अगर अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका आवेदन रद्द माना जाएगा, ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखें। ठीक है, अब चलते हैं कि किन किन अभ्यर्थियों को 6 तारीख को आना है, 7 को आना है या फिर 8 को आना है, तो उनकी एक बार लिस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए 6 तारीख को कौन कौन से अभ्यर्थियों को आना है ना। तो 6 वालों की पहले लिस्ट देख लेते हैं। तो इसमें आपके देखिए अनंत त्यागी हैं, आशी अग्रवाल हैं, ठीक है। तो बात करें इसमें कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें 6 तारीख को आना है, तो इसमें आपके 40 तक जो अभ्यर्थी हैं उनको 6 तारीख को आना है। तो आप अपना जो नाम है वो इसमें देख सकते हैं कि अगर आपका नाम 40 अभ्यर्थियों के अंतर्गत आ रहा है तो आपके जो इंटरव्यू है, आपका जो साक्षात्कार है वो कब होगा, 6 तारीख को होगा। तो देखिए इसमें रुबीना हैं, सिराज हैं, स्वाति हैं, राधा हैं, मनीष हैं है ना, कुमारी शीतल हैं, प्रतिमा हैं, ज्योत्सना हैं, इसके साथ तरुण कुमार हैं, सरजीत सिंह हैं है ना, और भी अगर आपका जो भी नाम है वो आप इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो एक बार अपना नाम चेक करके ज़रूर जाएं कि ये ना हो कि आपका इंटरव्यू तो 6 तारीख को है और आप 7 तारीख में चले गए, एक बार अपना नाम ध्यान से देख लें। ठीक है, अब चलते हैं कि 7 तारीख को किन किन स्टूडेंट को आना है। तो 7 को
आपके 41 से लेकर 41 से लेकर 80 तक यानी कि 40 स्टूडेंट फिर कब आएंगे आपके 7 तारीख को, ठीक है। तो इस लिस्ट में भी आप अपना नाम चेक करें कि किन किन अभ्यर्थियों का नाम 7 तारीख में आया है। तो पहला नाम है निशा रानी का, साक्षी का, रूवी, मनोज कुमार, वेदांत चौधरी, है ना। तो ये अपने नाम आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि 8 तारीख को किन किन अभ्यर्थियों को उपलब्ध होना है। तो 8 तारीख को देखिए 81 यानी कि 81 से लेकर 96 तक, ठीक है, जिन अभ्यर्थियों के नाम इस लिस्ट में आ रहे हैं उनको क्या है 8 तारीख को इंटरव्यू के लिए आना है, तो वो अपना नाम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे 81 में आप कल्पना हैं, विपिन कुमार सिंह हैं, सचिन कुमार हैं, खुशी हैं, रेखा हैं, निहारिका हैं, शिवांगी हैं, हुमा हैं, अरविंद हैं, प्रदीप हैं, हैं सावन हैं, वंटी कुमार हैं, भगत सिंह हैं, वेद प्रकाश सिंह हैं, निखिल सिंह हैं और अलका रानी हैं। तो 96 से आगे भी 121 तक जो लिस्ट दी गई है, माफ़ करें कि मैंने आपको 96 बताया कि 96 के आगे 121 तक जिन अभ्यर्थियों का नाम इस सूची में है उन अभ्यर्थियों को भी क्या है 8 तारीख को आना है, जिसमें देखिए योगेंद्र प्रताप हैं, अंजू हैं, है ना। तो ये सभी अभ्यर्थी भी क्या है 8 तारीख को इंटरव्यू के लिए उपस्थित हों, ठीक है। तो एक बार आप लिस्ट चेक कर लें कि आपका नाम किस दिनांक को आ रहा है, कि आपका कहीं 6 को इंटरव्यू है या आपका 7 को है या 8 को, एक बार आप लिस्ट चेक करके ज़रूर जाएं, है ना। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि लॉ सब्जेक्ट से जिन जिन अभ्यर्थियों ने पीएचडी हेतु आवेदन किए हैं उन अभ्यर्थियों का जो इंटरव्यू है, जो साक्षात्कार है, वो आपके 6, 7, 8 अगस्त को होगा, ठीक है। तो अपने नाम के अनुसार देख लें कि आपका नाम किस तिथि पर पड़ रहा है, उस तिथि को आपको क्या है विश्वविद्यालय में उपस्थित होना है, डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, सिनॉप्सिस ले जानी है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको एक ऐसी नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।